सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई? औरंगजेब के अत्याचार, औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक उर्स के दौरान फिर से औरंगजेब की तस्वीर लहराई गई। हमारे देश में आजकल चारों तरफ मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बात हो रही है। मुगल शासक औरंगजेब का नाम आए दिन किसी न किसी प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन न्यूज में आता ही जाता है, और ये आता है कंट्रोवर्सी के चलते। दरअसल कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर होती है कि औरंगजेब कैसा शासक था, उसने किस प्रकार भारतीय लोगों पर शासन किया, और इस बात को लेकर ना सिर्फ आम लोगों में मतभेद है बल्कि बड़े बड़े इतिहासकार, ट्रेवलर्स जो उस समय भारत में आए थे, वो भी औरंगजेब के बारे में अलग अलग बातों को बताते हैं और वो एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान जो मुगल एम्पायर को जानते हैं और भारत के उस समय के मुगल शासक को अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, जो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, उनका यह मानना है कि वो एक प्रभावशाली शासक था और उसको वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि कुछ मुसलमान औरंगजेब को पसंद करते हैं और उसकी फ़ोटो लेकर किसी रैली में निकल जाते हैं? छः जून को कोल्हापुर में दो नाबालिगों ने औरंगजेब का एक स्टेटस लगाया, जिसके बाद वहां पर हिंसा हुई। हिंसा में दो धर्मों के लोग शामिल थे। हमारे पास आपको दिखाने के लिए वो स्टेटस तो नहीं है जो कोल्हापुर में वहां के लोगों ने लगाया था, लेकिन जब हमने यूट्यूब पर सर्च किया तो औरंगजेब के कुछ स्टेटस हमें इस प्रकार देखने को मिले। देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी हैं और कहते हैं कि औरंगजेब सबका बाप है। महाराष्ट्र में हुई इस औरंगजेब की घटना के बारे में वहां के सभी राजनीतिक दल ने अपने अपनी बातों को रखा है और सब ने अपने अपने स्टैंड को क्लियर किया है। दरअसल औरंगजेब ने भारत में 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया, लगभग 50 सालों तक, और औरंगजेब के शासन में गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। इस पर भी बहुत सारे लोग की अलग अलग राय है। खासकर उस समय हिंदू और सिख धर्म के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब इतना क्रूर था कि वो सीधे दुश्मनों का सर कटा देता था। दास सिखों का सर औरंगजेब के आदेश के बाद कटा दिया गया था, जो कि उसका सगा भाई था। 24 नवंबर 1675 को सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया गया था औरंगजेब के आदेश पर, क्योंकि तेग बहादुर ने अपने धर्म को बदलने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब का मानना था कि अगर गुरु तेग बहादुर अपने धर्म को बदल लेते हैं तो ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को इस्लाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उनको सर को काट दिया गया। 4 जुलाई 1688 को राजा रामजूट को पकड़कर उनका भी सिर काट दिया गया और सर को सबूत के तौर पर औरंगजेब को दिखाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर था। लेकिन भारत के कुछ मुस्लिम ये मानते हैं कि औरंगजेब एक महान शासक था, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था। औरंगजेब हमेशा एक प्रयास करता था कि उसके शासन में, उसके राज्य में हमेशा इस्लाम के तरीके से शासन को चलाया जाए। वो हमेशा शरीयत के हिसाब से अपने शासन को चलाने में विश्वास रखता था। औरंगजेब ने अपने पूरे शासनकाल में हमेशा इस्लाम को अपनाया, और जो लोग इस्लाम को नहीं अपनाते थे उन पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जैसे जजिया टैक्स होता है। इसी प्रकार से जो लोग मुसलमान थे उन पर सिर्फ और सिर्फ 2.5% का ही टैक्स लिया जाता था अगर वह व्यापार करते थे, लेकिन वो अगर हिंदू या और किसी धर्म के हैं तो उन पर 5% का टैक्स लगाया जाता था। औरंगजेब के समय में ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने हमेशा इस्लाम को मानते हुए हर चीज़ से, राजशाही शासन से दूर होकर, सिर्फ और सिर्फ कुरान बेचकर और टोपियाँ सिलकर जो कमाई होती थी उससे ही अपना पेट भरा है।